अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बहुत मज़ेदार से मैक्रोनी वेजिटेबल वाले रोल बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मसाला जब पे जाते हैं तो आपको बता देती हूँ, हमने हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून हमने लाल मिर्च कुटी लिया है उसका पाउडर, हाफ टेबल स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून ही हमने गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने धरा मिर्च लिया कुटी हुई और 1 टेबल स्पून नमक लिया। उसके बाद आते हैं, हमने ये पट्टियाँ तैयार की हैं रोल बनाने के लिए। ये मैदा गूंदने का तरीका आपको पहले ही पापड़ी वाली वीडियो में बता दिया गया, इसमें आपको उसका लिंक भी बता देंगे, तो आप खुद से भी देख सकते हैं किस तरह से मैदा गूंदना है और इसकी पट्टियाँ बनानी हैं, और आपके सामने भी पट्टियाँ बना लेंगे अभी दोबारा से और, ठीक है। आलू दो दर लिए हैं, इनको चॉप कर लिया बारीक बारीक, और ये गाजरें ली हैं इनको भी चॉप कर लिया बारीक बारीक पीसीस में, और ये चिकन लिया है, चिकन को हमने बॉयल करके इसके रेशे कर लिए हैं, ठीक है। और ये शिमला मिर्च है, इसको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और प्याज को भी इसी तरह से दो दर प्याज लेके इसको भी बारीक बारीक चॉप किया। और ये मैक्रोनी है, मैक्रोनी हमने बॉयल कर लिया, और बॉयल करके हमने इसको हल्का सा घी या ऑयल लगा के तो रख दिया। अब हम सबसे पहले चिकन मैक्रोनी वाले रोल बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सचर रेडी करेंगे, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें सब्जियां डालेंगे, पहले हम इनको आलू को और ये गाजरों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती हैं तो इसमें भुनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए इनको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फ्राई कर। आलू और गाजरें हमारी तकरीबन हो गई हैं, अब हम इसमें दूसरी सब्जियाँ डाल देते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाला जो डाल देते हैं, इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर हम इसमें देखें मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मैक्रोनियाँ डाल देते हैं जो हमने बॉयल की हुई। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे मिक्सचर को मैक्रोनियों के साथ, देखिए कितने मज़ेदार सी लग रही है, ये इनकी शक्ल ही बता रही है कि ये बहुत मज़ेदार है। इनको जब रोल में हम बनाएंगे इनके रोल इस मिक्सचर के, तो आप मेरी इस रेसिपी को ना चाहते हुए भी टेस्ट करेंगे और इसको बनाएंगे, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखें हमारा मिक्सचर जो है वो एकदम से रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसके रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है और रोल भी हमने जो पट्टियाँ तैयार करनी है, अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। इजी वे है फोल्ड करने का। ये हमने मैदा लेके थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया है, इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे।
थोड़ा सा लगा कर। इसी तरह से हमने सारे रोल बनाने, जिस पर हमने ये बनाए। ये हमने 3 रोल बना दिए इसी तरह से, ये देखें इनको अच्छे से। इसी तरह हम दूसरे भी बेल के तो रोल बना लेंगे। तो पहले अब इनको फ्राइंग पैन में डाल देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसी तरह से ये देखें हमने इसको घी में डाल दिया। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। रोल हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें अब हमारे बहुत मज़ेदार से वेजिटेबल और मैक्रोनी के रोल जो हैं वो रेडी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं और ये बहुत क्रिस्पी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।